हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी आंवले के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस आंवले को मैंने भाप से पकाया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला ले लिया है। इस आंवले को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है, तो चलिए अब हम इसको पकाएंगे भाप में। तो यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, तो कढ़ाई में मैं 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। और आंच को हमने बिल्कुल तेज रखना है, यानी कि फ्लेम जो है इसकी फुल रखनी है। तो हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम कोई भी जाली वाला बर्तन लेंगे और इसको रख देंगे। अब इसके अंदर जितने भी आंवले थे वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा किलो आंवला लिया है, तो चलिए अब इसको हम कवर करके इसको ढक देते हैं। तो करीब 10 से 15 मिनट में ये जो आंवले हैं अच्छे से पक जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ जब आंवले ऐसे फटने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं जो इसके पीसीस हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब आंवले जो हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने गैस को बंद कर देना है और ये जो आंवले हैं एक प्लेट में हमने निकाल लेने हैं। तो अब हम इन आंवले के जो है पीसीस अलग कर लेंगे और ये जो इसका बीज है वो बिल्कुल अलग कर देंगे। तो सारे जो आंवले हैं हमने ऐसे तोड़ के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर बीज निकालने के बाद सारे आंवले आप देख सकते हैं मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन का और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूंगी। मेथी हम कम ही रखेंगे क्योंकि इससे अचार हमारा कड़वा हो सकता है। और 2 चम्मच यहाँ पे सरसों के दाने मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर सौंफ ऐड करूंगी। तो यहाँ पर अब इसको सिर्फ 1 मिनट हम भूनेंगे। तो यहाँ पर अब हमने मीडियम फ्लेम पर इस मसालों को 1 मिनट भूनना है, बहुत देर तक नहीं भूनना, नहीं तो जो इसका अरोमा होता है इन मसालों का वो निकल जाता है। तो 1 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को हम कर लेंगे ठंडा। और इन मसालों को ठंडा करने के बाद अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये देखिए मैंने मसाले जो है मिक्सी में दरदरे पीस लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मसालों को हमने इसमें मोटा ही पीसा है। तो अब उसी कढ़ाई में अब मैं 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। इसको एक बार गर्म करके हम इसको ठंडा होने देंगे। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसको थोड़ा आप ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके अंदर अब हम आंवले ऐड करेंगे जो कि हमने बीज इसके अंदर से निकाल लिए थे। तो ये देखिए सारे आंवले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ में 1/2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर हम जो हमने मसाला पीस के रखा था 2 चम्मच वो मसाला ऐड कर दे रहे हैं। और मसाले को ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी नमक रह गया है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच नमक को ऐड कर देंगे और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इन सभी मसालों को एक बार मिक्स करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे, या तो हम चाहे तो हम प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं या फिर यहाँ पे मैंने कांच की बोतल में चारों तरफ सरसों का तेल लगा लिया है। इससे हमारा जो अचार है जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर तेल लगाने के बाद अब हम इसके अंदर जितना भी ये जो आंवले हैं इसको ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो फ्रिज में रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली बार मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।